हाँ मानो आगे वाली कार भी नहीं दिख रही बेटा। देखो इधर भी दिख रहा है बट इधर पूरा हाईवे देखो बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी हो रही है। जो हैजर्ड लाइट होती है ना हैजर्ड लाइट वो भी पता नहीं चल रही। अगर हेयर कट हो गया लेकिन शंटी इतना परेशान हो गया वहाँ पे, कह रहा जल्दी करो एक घंटा लग गया आपको। इसको ये नहीं पता वहाँ पे हमें दो दो घंटे भी लग जाते हैं, कई बार तो तीन तीन चार चार घंटे भी लग जाते हैं। क्या करते हो तूने देख ही लिया क्या करता हूँ। बियर्ड भी सेट करा ली लेकिन वो तो आजकल मास्क में छुपी रहती है क्योंकि मुँह दिखाई हमें करनी नहीं रोड पर मास्क उतार कर। शंटी तेरी मुँह दिखाई कराऊँ? नहीं यार 2000 बताओ। हेयर कट भी हो गया था, बियर्ड भी हो गई थी, पूरा दिन भी निकल गया और अभी शाम के हो गए हैं 9:45। और अभी अभी प्लान बना है, हम सब जा रहे हैं कोसी शनिदेव मंदिर जो है वृंदावन से 20-25 किलोमीटर पहले। तो हमारी मतलब 150 किलोमीटर लगभग जाना, 150 किलोमीटर आना होगा। और हम ही नहीं मतलब काफ़ी सारे जने जा रहे हैं, आई थिंक 3 या 4 कार होंगी। मतलब कितने जने जा रहे हैं वो तो रास्ते में पता चलेगा जब हम कुछ खाने के लिए रुकेंगे या ब्रेक लेंगे। और बाकी अभी मैं पूरा दिन व्लॉग कर नहीं पाया, थोड़ा सा बिजी था ऑफिस में और अभी जो है मैं व्लॉग को कंटिन्यू कर रहा हूँ। 9:45 हो रहे हैं तो अभी हम 9 बजे तक निकलेंगे और हम सुबह आएंगे आई थिंक 4-5 बजे घर वापसी। काफ़ी फोग होगी हाईवे पर और इस बार की सर्दियों में रात का ना मेरा कोई ट्रिप हुआ है ना राइड हुई है, तो ये मेरे लिए मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा इस सर्दियों में। घर से निकलते ही सबसे पहले हम आए हैं गाड़ी को माथा टिकाने के लिए पेट्रोल पंप, जो सबसे ज़रूरी है, और यहीं से फुल करा के जाएंगे क्योंकि आधी रात को कहाँ रुक कर पेट्रोल वेट्रोल डलवाएंगे। इसको हराना है? इसको। कौन सी वाली? इसको। इसको हराना है? हाँ। हरा दे इसको। हाँ। दादी सीट बेल्ट लगानी है। अच्छा मुझे एक चीज बताओगे, सबको एक साथ एक ही जगह पे क्यों आए हैं? मैं तो पहले कर चुका हूं। रुके हैं एक ही जगह रुके हैं इसलिए। नहीं नहीं स्पेशल बोला है ना कि यहाँ रुकना है करने के लिए। मैंने कहा पता नहीं क्या सीन है, ये बना हुआ है ना परमानेंट। नहीं यहाँ पे कुछ खाते नहीं है, खाली यहाँ पर खाते कुछ नहीं निकालने आते हुए। हेलो गाइस, तू भी कर आया है? सही है, लाइक करो जल्दी से। इनका नहीं कटा यार, बच गए टोल, हमारा नुकसान हो गया। लाइट ही ओवर जाओ इकट्ठे करने। मानव तो सो गया है और यहाँ पर एक ब्रेक लिया है, सबने किस लिए लिया है? वॉशरूम जाने के लिए। कह रहे हमारा ना मतलब एरिया है, यहाँ पर हम जाते जरूर है। और ये सारे गए हैं और देखो लाइट ही चली गई। ओ आ गई आ गई आ गई। सो रहे कान में मत बोल, वहीं भेज दूंगा नहीं तो गाड़ी में। वो देखो वहाँ पर फोटो सेशन चलने लग गए इनका वॉशरूम के बाहर, सामने लिखा टॉयलेट। वो देखो ये सारे फोटो करा रहे हैं वहाँ पर, और पक्की बात है इनकी फोटो में ना पीछे टॉयलेट ही लिखा आ रहा होगा। हो गई फोटो, पीछे टॉयलेट ही लिखा आएगा। करो वो तुम्हारे कारण बार बार लाइट बंद कर रहे हैं। वो देखो वो छत में चढ़ा, चला मत देना मैं गिर जाऊंगा। अच्छा ये वहां आ गए हम, किसानों का धरना देखना बंद, बहुत झोपड़ियां देख बीच में। ये देखो ना ये सारा किसानों का वो है ना, ये टेंट लगाए हुए ना ये बेचारे। ये देखो ये देखो ये देखो सारा ये टेंट लगे है ना, ये सारा ये जाम है, ये जाम नहीं मतलब वो उन्होंने बनाया हुआ रहने का। ये सारे ट्रैक्टर खड़े हैं देखो। हाँ जी हमारे अलावा मुझे नहीं लग रहा कोई है मंदिर में ना। माना उठ जा बेटा, जंगल आ गया। माना देखो आप जंगल आ गया, ये देखो मंदिर पहुंच गए। और आप जो जंगल का वेट कर रहे थे ना, देखो आगे वहाँ पर लोग होते हैं। देखो मानो देखो हम ना परिक्रमा कर रहे हैं कार पे, देखो जंगल के अंदर जा रहे हैं हम। क्या हम पैदल करते थे अब हम कार पे कर रहे हैं। मानो क्रोकोडाइल भी होते हैं, यहाँ पड़ता था भाई। तो मेरे को करण अर्जुन की तरह ड्रामा थे, पहले मैं यहाँ पड़ता था, आगे कहेगा ये मेरा कहेगा ये आगे ये मेरा घर आ गया। मानो गाय का चलाता था, पहले घोड़ा चलवाता, मैं शक्की में ले आऊंगा पानी। घोड़ा भी चलाता था यहाँ तब। मानो इधर देखो, पहली बार आए हो ना बेटा आप? वो देख क्या निकला, वो देखो कहाँ है, डॉगी है। अच्छा डॉगी है, वैसे सांप बहुत निकलते हैं सांप यहाँ। वो दिखाते हैं मानव को, अगर कहीं होता ना रुक के दिखाते कछुआ। जंगल हाँ बेटा, जंगल में है हम, उठ जाओ देखो ना साइडों में, वो देखो पूरा जंगल है, जंगल के बीच में है बेटा। यहाँ पे वो भी तो गिर सकते हैं ना,
दलदल है, दलदल है साइडों में। लॉयन नहीं है, लॉयन चाहिए था आपको। मानो देखो अब हम परिक्रमा से आ गए बाहर, अब हम पहुंच गए मंदिर, सामने है मंदिर। रात को 12 बजे के बाद हम आए हैं। चलो मानो हम पहुंच गए। सॉक्स भी उतारने हैं क्या? नहीं मैं तो नहीं उतारूंगी। बड़ी ठंड हो रही है भाई साहब यहाँ। कईयों ने सॉक्स पहनी है, कईयों ने उतार दी। मैंने तो उतार दी क्योंकि अंदर तेल होता है ना, और फिर तेल लगेगा सॉक्स पे और पूरे रास्ते उतारनी पड़ेगी, इसलिए मैंने अभी उतार दी, बाद में पहनेंगे। कुछ कहना चाहते हो आप? नो, नो, नो। गिनती कर लेना अपने अपने नगों की। यहाँ है शनिदेव मंदिर कोसी कला। वैसे मंदिर पूरा दिन खुलता है बट ये सब रात को आते हैं, हम पहले दिन में आते थे बट अब कह रहे थे सब इकट्ठे जा रहे हैं तो रात को ही चलते हैं। ऐसे नहीं हाँ जोर से। ओ तेरी किशन जी, पैर ऐसे करो क्रॉस। हाँ ये तो नाग पकड़ने वाले नहीं लग रही है, सर पे बांध गई है पकड़ के। दोपहर को यहाँ पर इतना रश होता है, ये जितनी जगह आप देख रहे हो ना सारी कारों से भरी होती है। अभी सिर्फ देखो यहाँ गाड़ी खड़ी है हमारी तीनों बस, और थोड़ी सी आगे खड़ी है, बट दोपहर को यहाँ पे बहुत रश होता है, बहुत ज्यादा। हमारी गाड़ी बैलगाड़ी। अब हम जा रहे हैं घर के लिए, लेकिन रास्ते में रुकेंगे ढाबे पर जहाँ पर खाना खाएंगे। ये हर बार ही खाते हैं वहीं पर, आपको दिखाऊंगा, बहुत मतलब बहुत अच्छा ढाबा है। टुरुला अब भाई ये फोग, असली देखो ये फोग नहीं है, फोग है, फोग नहीं धुआं उड़ रहा है। अरे फोग है भाई, मिट्टी उड़ रही है। अरे फोग है, मिट्टी नहीं है ये, फोग है। सूंघ लिया मैंने। क्या कह रहा तूने, सूंघ लिया? क्या था बाबू, क्या है? फोग है भाई, साइडों में जंगल है ना। सच बताओ, सेंटर रखना बाबा। हां मानो आगे वाली कार भी नहीं दिख रही बेटा, कुछ नहीं दिख रहा ना मानो। मानो तू हवाई जहाज में है बादल के अंदर। अरे पूछो ही मत रास्ता। बच्चे सारे खुश हो गए यहाँ आकर क्योंकि इनको झूले मिल गए झूलने के लिए, वो देखो। रात के 2:30 बज गए और अब हम करेंगे डिनर। खाना खा लिया, बहुत टेस्टी, मज़ा आ गया, बट पीछे देखो रोड साइड पे इतना कोहरा हो गया कुछ नज़र नहीं आ रहा। मैं आपको वहाँ चल के दिखाता हूँ, देखो इधर का सब क्लियर दिख रहा है ना, और इधर का देखो, देखो इधर भी दिख रहा है बट इधर कुछ पता नहीं चलेगा। पीछे मैं क्लियर दिख रहा हूँ क्योंकि सामने लाइट है, बट बैक पर पूरा हाईवे देखो बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी हो रही है। आज का ट्रिप मैं हमेशा याद रखूंगा क्योंकि इस बार मतलब इस सर्दियों में मैं फर्स्ट टाइम ऐसे आया हूँ जिसमें इतनी फोग मिल रही है हमें। देख रहे हो गाड़ी कितनी धीरे धीरे 10 की स्पीड पे कार चल रही है, मतलब जो हैजर्ड लाइट होती है ना, हैजर्ड लाइट वो भी पता नहीं चल रही। अगर हमारा जरा सा भी डिस्टेंस हो जाता है ना दोनों कारों के बीच में, तो जो हैजर्ड लाइट है ना उसका भी पता नहीं चल रहा। वो देखो लाइन लगा के आ रहे हैं ट्रक, लेकिन बिल्कुल पता नहीं चल रहा। देखो सामने पूरी लाइन है ट्रक की, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, लेकिन बहुत वो देखो पीछे, यहाँ देखना हैजर्ड लाइट नजर आएगी आपको, ये वाली यहाँ देखो सामने, वो देखो ये हमारी वाली लेन है और वो आने वाली लेन। 3:30 हो गए हैं सुबह के, तो बस अब निकलेंगे, सब बच्चे झूलों में फिर से घुस गए हैं, इनको लेना पड़ेगा, बहुत टाइम लगा देंगे। कैसा लगा खाना है? बहुत अच्छा लगा मुझे बहुत बढ़िया लगा, काफी दिन बाद खाया है ना। ये भैया का है जो हमें यहाँ पर खाना खिलाते हैं बढ़िया से बिठा कर, और इतना टेस्टी वाला, बहुत मजेदार और घर की तरह लगता है हमें खाते हुए। जय शनिदेव। चलो अब हम निकल रहे हैं, और आपको मैंने फोग दिखाई कितनी हो रही है, अभी तो घर जाने में हमें 1 घंटा तो लगेगा ना, 1.5 घंटा आराम से लगेगा। तो अब बाकी का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं गाड़ी में। अरे फोग ना बढ़ती जा रही है, मानो ये नाराज होकर बैठा हुआ था, बड़े जैसे बुलाया जा रहा है, बच्चों को कोई आया नहीं। चलो जाओ इधर, मैंने कहा चल मैं लेके चलती हूं। इतनी तेज ये था, पैर ना जमाना, पैर से ना डाल ले यार, चलें बहुत फोग हो रही है, आ जाओ आप। हां
अभी कितने हो रहे हैं? 4:15 हो रहे हैं ना? हाँ 4:15 हो रहे हैं। 1.5 घंटा फोग है ना, 1.5 घंटा लगेगा, 1.5-2 घंटे। गाड़ी के पीछे तो गाड़ी रखनी पड़ती है। 1-2 घंटा मतलब जाते हुए बिल्कुल फोग नहीं थी यार, वापसी में देखो क्या हाल है। टाइम हो गया ना? हाँ टाइम ज्यादा हो गया। तो घर आने के बाद सो गए थे, सुबह 6:30 हो गए थे हमें आने में, और उसके बाद इतनी तेज नींद आई कि एंडिंग करने की तो हिम्मत ही नहीं हुई। और वापसी आते हुए फोग इतनी ज्यादा थी, हमें ये था बस घर पहुंच जाए फटाफट से, क्योंकि गाड़ी के पीछे गाड़ी लगाकर चलना पड़ रहा था, तो मैंने व्लॉग आगे करा नहीं। और आने के बाद तो भाई साहब ऐसे ही बेहोश हुए कि क्या ही बताऊं, बस उठाऊं और अभी बस ऐसे ही मैंने कहा पहले एडिट कर लूं आपके लिए वीडियो, नहीं तो रह जाता है व्लॉग डालना। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना जो लोग फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो कर लेना। और कोशिश करूंगा व्लॉग आपको ऐसे ही बस देता रहूं, बाकी जैसा चल रहा है सब बढ़िया, आप लोगों का प्यार मिलता रहे बस। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट व्लॉग मुझे स्टार्ट करना है बस ये एडिट करके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय। अभी तक मेरी नींद मतलब हटी नहीं पूरे तरीके से, 4-5 घंटे ही सोया हूं बस मैं आकर।